हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दिन दुनिया की खुशियाँ दे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बनाऊंगी रेसिपी, बनाऊंगी टमाटर एग्स। टमाटर अंडा बहुत मजे का बनता है, ये सालन बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आए शुरू करते हैं। ये मैंने ऊपर चूल्हे पर कढ़ाई रखी है और 5 मिनट ले रही हैं अंडे, आपकी मर्जी 5 लें 10 लें, लेकिन बहुत मजे का ये। बिस्मिल्लाह। ये मैंने 2-3 चमचियां ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन इसमें बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी बनता है। और ये अदरक लहसुन मैंने डाला है। तो ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मजे का बनता है, बहुत शौक से बच्चे खाते हैं। टमाटर और अंडे, इसमें प्याज नहीं डलते, इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा डलता है, इसमें टेस्ट देखा अच्छा आता है। तो व्यूअर, मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। मैं यहाँ नहीं थी, मैं शादी पे गई हुई थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह शादी हो गई है खैर खरीत से, तो मैं वापस आई हूँ। वहाँ मैंने वीडियो बनाई है, एक दो वीडियो मैंने उधर बनाई है। तो अभी आज मैं वीडियो अपने किचन में चूल्हे पर बना, अपने चूल्हे पर बना रही हूँ माशाल्लाह। तो ये अदरक लहसुन डाला है इसमें और मैं 1/2 किलो टमाटर ले लिए। टमाटर बहुत मजे के रेड रेड आ रहे हैं, बहुत प्यारे आ रहे हैं। ये 1/2 किलो मैंने टमाटर ले लिए। प्याज इसमें नहीं डलते क्योंकि ये रेसिपी टमाटर की, टमाटर और अंडे बहुत मजे के बनते हैं। और कुछ स्पाइसी चीज़ें मैंने ले ली हैं, सूखा धनिया 1/2 चम्मच ले लिया, नमक हसबे ज़रूरत, और रेड मिर्च, हल्दी, और ये कश्मीरी मिर्च। तो ये बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे, रेखा घर के मसालों से ही रेखा बहुत मज़े का बनता है। ये अदरक लहसुन थोड़ा सा मैं इसमें भूनती हूँ ऑयल में, जैसे ही खुशबू इसकी आने लगे तो इसमें टमाटर डाल दें। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बच्चे बच्चियाँ सब सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि मज़े मज़े की रेसिपी आपको मिलती रहे। तो ये मेरे अदरक लहसुन हो गया इसमें। ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। ये ऐसे अंडे टमाटर ऐसे बनते हैं जैसे मगज बना होता है, बछड़े का, बकरे का, जैसे मगज बना होता है ना, ऐसे मगज से भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो जो मगज के शौकीन हैं बच्चे बच्चियाँ, वो ऐसे बनाएं, ये अंडे खाएं, बहुत मज़े का, बहुत देखा आएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये भी हेल्दी हैं अंडे, तो वैसे भी अच्छे हैं, खाने चाहिए सर्दियों में। सर्दी तो माशाल्लाह जा रही है, लेकिन अभी सर्दी का लुत्फ उठाएं, मज़े मज़े की रेसिपी बनाएं। अंडे को मैं, सॉरी, टमाटर को मैं पका लेती हूँ अच्छे तरीके से। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टमाटर को अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ। इसमें अभी मैंने मिर्च मसाले कुछ भी नहीं डाले, माशाल्लाह बहुत मज़े का। फिर भी इसका कलर आ रहा है, ये चेक करें, आगे से रमज़ान शरीफ आ रहा है। ये शहरी में बनाए बहुत मज़े का बनता है, ये रेसिपी बहुत मज़े की है, शहरी में बनाकर खाएं, बच्चों को दें, शादी में बनाएं, एक नई डिश, ये बहुत मज़े की बनती है। तो ये बिल्कुल मगज़ जैसा बनता है, मगज़ और भेजा दिमाग जो होता है ना, बकरे का, गाय का, बकरी गाय बछड़े का, उसका दिमाग, इंसान का दिमाग भेजा नहीं, माशाल्लाह ये जो होता है ना, बहुत मगज़ से कम नहीं। इसका लुक भी ऐसे है बिल्कुल और टेस्ट भी ऐसे है, तो बहुत मज़े का बनता है। अभी इसमें मसाले डालने लगी हूँ, जो ये जो मैंने बताए हैं मसाले, हाँ, तो मसाले भी साथ साथ इसमें पक जाए और बहुत मज़े का ये एक ग्रेवी सी पेस्ट बन जाए इससे। ये देखिए माशाल्लाह, इसमें अंडे ना भी डालें, सालन ना हो, कोई मसला नहीं, ऐसे बनाएं, बच्चों को दें, सबुज धनिया डालें, ऐसे बच्चे खुशी से खाएंगे। ये देखें ऐसे मसाला बहुत मज़े का बनता है, रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है।
तो ये मैंने पत्तियां अलग कर ली हैं, तो ये डंडियां जो हैं धनिए की डंडियां ये डालती हैं उससे इसका जायका टेस्ट होता है। और सब्ज़ मिर्ची भी दो थोड़ी सी डाल देती हैं, थोड़ी सी मैं ऊपर गार्निश के लिए रख देती हूँ। यकीन माने अपनी मजे की इसकी खुशबूयां आ रही हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको चटपट बनने वाली रेसिपी है, इस पे कोई टाइम नहीं लगता, कोई इतनी मेहनत नहीं है, माशाल्लाह फटोफट बनाएं और एंजॉय करें। ये टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं। आ जाती है अंडे डालने की बाकी, तो माशाल्लाह ये तो बहुत मजे का मसाला रेडी है। अब इसमें मैं डालती हूँ अंडे। ये अंडे मैंने तोड़ लिए, तोड़ के मैंने 5 अंडे मैंने तोड़ लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इनको ऐसे राम राम खिलाते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा बीच चीज में ऐसे ये देखिए माशाल्लाह कढ़ाई से सेपरेट हो जाएगा जब ये ऑयल, तो फिर ये मेरी रेसिपी रे डिश माशाल्लाह तैयार है। ये देखिए है ना बिल्कुल मगज जैसा, जैसे मगज होता है, मेरा कैमरा मैन नजदीक से दिखा सके तो ये देखिए जैसे बिल्कुल मगज बना हुआ होता है माशाल्लाह। ये बछड़े का गाय का ये मगज होता है, ऐसे बिल्कुल मगज की शिकल और टेस्ट भी बहुत मजे का है इसका, तो चटपट बन गए। ये देखें माशाल्लाह ऑयल अलग हो गया है, अभी चूल्हा करती हूँ बंद। माशाल्लाह ये मेरी डिश रेडी है। अभी इसमें सब्ज मिर्चे सब्ज धनिया ये लोग डाल देते हैं और माशाल्लाह ये चेक करें, ये है ना बिल्कुल मगज बना हुआ माशाल्लाह, ये चेक करें। अभी इसको करती हूँ मैं डिश आउट, बिस्मिल्लाह आपके सामने करती हूँ। बिस्मिल्लाह बाहर आइसक्रीम वाले आए हैं, शोर मचा हुआ है, बच्चे कह रहे हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना, अगली नई नई वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ये देखें अभी भाप निकल रही है, ये है बिल्कुल मगज बना हुआ। ऐसे ऐसे मजे का बनाएं, बच्चों को दें, एंजॉय करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।